देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होता है। जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी भद्राचार्य जी का जन्मोत्सव का अमृत महोत्सव हो, उसी अवसर पर प्रभु राम आज शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि का विराजमान हो रहे हो। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है और हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने स्वाभाविक तत्व से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत के नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। तो अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है और इस वक्त पूरे देश में उत्साह का माहौल है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 22 जनवरी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5 सदी के बाद ये मौका आया है, योगी आदित्यनाथ ने कहा, और साथ ही दर्शन के लिए लोग पैदल ना आए, ये अपील भी उन तमाम जनमानस से उन्होंने की है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन किस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहां के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहां के सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे, हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो।